तो हेलो स्टूडेंट, मैं हूं हृदय एसजी इंस्टीट्यूट से। आज बेटा फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 में डेरिवेशन करने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान पूर्वक देखना। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा क्या है बेटा डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंड एक्सियल पॉइंट ऑफ एन डाइपोल, ठीक है। यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा, हमारे पास पहले तो डाइपोल समझ लो, डाइपोल क्या होता है। देखो दो पोल है, लेकिन यहाँ पर जो है दो चार्जेस होंगे आपके पास, एक प्लस क्यू और एक माइनस का क्यू। देखिए ये जो क्यू है ना, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, एक माइनस क्यू चार्ज ले लिया और एक प्लस का क्यू चार्ज ले लिया, ठीक है। इनको सेपरेट कर दिया किससे, 2a डिस्टेंस है, क्लियर हो गई बात। अब यहां पर मैंने एक मिड पॉइंट लिया हुआ है जिसको मैंने ओ बोला हुआ है, तो ये वाली भी डिस्टेंस जो है यहां से लेकर यहां तक की कितनी हो जाएगी बेटा, a हो जाएगी, और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो भी a हो जाएगी। अब इसी एक्सियल पॉइंट पर मैंने क्या किया बेटा, आगे की तरफ एक पी पॉइंट ले लिया और उस पी पॉइंट से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी किसकी, माइनस क्यू चार्ज के लिए और प्लस क्यू चार्ज के लिए। माइनस क्यू चार्ज के लिए देखूंगा तो बेटा ये इस तरफ आ रही है, और प्लस क्यू चार्ज के लिए देखूंगा तो ये बेटा राइट साइड में जा रही है, क्लियर हो गई। तो मुझे क्या करना था, ध्यान पूर्वक देखना बेटा, हम क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट पी, मतलब इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट के लिए क्या कर लेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ई माइनस का क्यू वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का क्यू। अब नीचे क्या आता है बेटा, आर स्क्वायर आता है, तो यहां से लेके मतलब यहां से लेके माइनस क्यू से लेके इस पी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी बेटा, आर, और यहां से कितनी है ये a है, तो ये क्या हो जाएगी r प्लस a। तो मैंने यहां पर r प्लस a का होल स्क्वायर दे दिया, यस और नो। और जो डायरेक्शन है वो क्या है बेटा, टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ हो जाएगी, क्लियर हो गई अभी बात। नाउ अब मैं निकालूंगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू के लिए एट पॉइंट पी पर, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए लूंगा तो क्या हो जाएगी, इस वाली पॉइंट से मुझे डायरेक्शन देखनी है इस पॉइंट तक के लिए। तो देखो बेटा ये यहां से लेके और यहां तक तो आर थी, अगर मैं ये वाली माइनस कर दूं मतलब ए माइनस कर दूं तो ये वाली बच जाएगी या नहीं बच जाएगी, तो मैं क्या करूंगा आर माइनस ए कर दूंगा डिस्टेंस, और जैसा था वैसे ही मैंने फॉर्मूला लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या होता था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन है बेटा वो किस तरफ होगी, राइट की तरफ होगी, क्लियर हो गई। नाउ अब मुझे क्या है बेटा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी एक्सियल पॉइंट पर। तो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं दोनों को ऐड कर दूंगा। तो ये वाक्य e प्लस क्यू के लिए मैंने जो वैल्यू थी वो यहां पर लिख दी, और e माइनस क्यू के लिए जो वैल्यू थी वो कितनी थी बेटा, यहां पर माइनस का साइन आ रहा था तो हमने यहां पर माइनस का साइन लग दिया, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहां पर माइनस का साइन आ गया और हमने क्या कर दिया, e माइनस क्यू की वैल्यू रख दी। उसके बाद हमने देखा बेटा कि यहां पर चीज क्या क्या कॉमन आ रही है, तो बेटा q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, तो मैंने एक तरफ लिख लिया। अब अंदर क्या बचा, 1 अपॉन में r माइनस a का होल स्क्वायर, माइनस का साइन है तो माइनस आ गया, 1 अपॉन में r प्लस a का होल स्क्वायर, p कैप चल रहा था तो p कैप चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहां पर मेन कैलकुलेशन आपकी स्टार्ट हो रही है, क्या होगी बेटा कि यहां पर आप क्या करोगे बेटा, एलसीएम ले लोगे, इस वाली चीज से ये वाली चीज कैंसिल आउट तो ये बचेगी, इसकी मल्टीप्लाई वन से करोगे तो आर प्लस ए आ गया। नॉर्मल जो हम क्या नाम है एलसीएम करते हैं, माइनस का साइन है तो माइनस कर दिया, आर प्लस ए से आर प्लस ए कैंसिल आउट हो गया, आर माइनस ए की मल्टीप्लाई जब वन से करेंगे तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर हो गए। अब उसके बाद क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझना, यहां पर आ जाओ बेटा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू तो चल ही रहा था, हमने लिख दिया यहां पर r प्लस ए का फॉर्मूला खोल दिया, r का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ar, ठीक है। ये माइनस का साइन था तो माइनस के बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट इसलिए लगाई है, कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा माइनस के साथ ही फॉर्मूला खोल देते हैं और साइन चेंज नहीं करते हैं, वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहां पर कर्ली ब्रैकेट का लगाने का मतलब यही था, तो r माइनस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोला, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में 2ar, क्लियर हो गई। नाउ जब हम माइनस खोलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज कर दिए मैंने, साइन चेंज करने के बाद आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या बचा बेटा 2ar और 2ar दैट इज 4ar हो जाएगा। नीचे जो चल रहा था मैंने नीचे कुछ भी छेड़ा छाड़ी नहीं करी है, तो आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बचेगा। अब देखो 4a स्क्वायर, हमारे पास डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, P बराबर में Q इंटू में 2A, तो
तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि भाई 4AR मैं यहां पर लिखकर दिखा रहा हूं, ध्यानपूर्वक देखना बेटा, 4AR को मैंने तोड़ दिया कैसे, 2 और Q तो यहां पर था पहले से ही, 2 इंटू में A, 2A तो मैंने यहां से ले लिया, तो 2A मैंने जो यहां से लिया है इसका यहां पर लिख दिया और Q के साथ जोड़ दिया, और जो क्या बचा यहां से बेटा, क्या बचा, इसमें से 2 बचा और इसमें से 1 R बचा, तो 2R अलग लिख दिया मैंने, ये वाली बात क्लियर हो गई। तो इस Q इंटू में 2A, Q इंटू में 2A जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा, तो इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया है बेटा, P लिख दिया है और मेरे पास क्या बचा यहां पर 2R बचा, तो 2R यहां लिख दिया। क्लियर हो गई ये बात। नाउ अब जो R होता है हमारे पास वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है A से, तो अगर R बड़ा है तो R स्क्वायर भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा A से, तो हम A को क्या करेंगे बेटा, नेगलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और नेगलेक्ट कर ही देंगे, तो हमारे पास जब इसको हटाएंगे तो ये R की पावर 2, R की पावर 2 और इसका भी स्क्वायर बचेगा, मतलब क्या बचेगा, R की पावर 4 बचेगा। क्लियर हो गई ये बात। अब सुनो बेटा, अब क्या होगा, R की पावर 4, एक ऊपर R था, R की पावर 4 से एक R कट जाएगा, कितना बच जाएगा, R की पावर 3, और यही हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, क्या आएगी बेटा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में 2P अपॉन में R क्यूब और P कैप। तो ये हमारे पास एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड आती है डाइपोल में। क्लियर हो गई। तो ये वीडियो बेटा आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से देखें उसको। अब ये बेटा जो है सारे